128 की रिकवरी के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें इनका कहना था कि मैं सिविल जेल जाने को तैयार हूँ, पैसे नहीं दूंगा। वो भी ऑब्जर्वेशन है लोअर कोर्ट का, पेज नंबर 51। उसका भी एग्जीक्यूशन हो गया, अब नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मेंटेन भी नहीं करना चाहते हैं और साथ तलाक भी नहीं देना है, बस ये केस एम्प्लॉइज साथ में रह लो, तैयार है नहीं तो पहले पहले आपका दोनों फाइट भी तो देखना पड़ेगा ना, आप इनको पैसा तो दो थोड़ा बहुत, फिर सोचेंगे रह सकती कि नहीं रह सकती। पहले आप, मैं मेरे पास पैसा भी नहीं है, पहले आप जेल जेल में तो फांसी दे दो, मेरे पास तो मैं तलाक दे नहीं सकता हूँ, मेरी बात नहीं मत करो। 2000 रुपए मिलते थे सर, तब मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे तब। पेज नंबर 51 पे 128 की एप्लीकेशन लगाई थी इनसे रिकवरी के लिए मेंटेनेंस। 128 की एप्लीकेशन में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया टाइप की, मैंने लगती है कि हम पैसे लगाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं साथ में, पर वो नहीं। कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है अभी, मैंने मंथली जो देना था 2015 से 2500 पर मंथ ही है बस, अभी तक 2015 से 2023 में कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने इनसे पूछा है कि अगर ये नहीं भी देना चाहते तो नहीं दें, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज टू बी 100 मिनट, क्योंकि ये जाते हैं जिस दिन इनका मन होता है उस दिन इनके आंगनबाड़ी केंद्र पर जाके कुछ ना कुछ बोलते हैं, चरित्र को लेके या किसी बात को भी लेके, बस इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं। बच्चों को लास्ट कब मिले देंगे या नहीं देंगे बताइए, कि जेल भेजना है क्या करना है। मैंने जो आंगनबाड़ी पे पैसे देंगे कि नहीं, 2015 से आदेश हुआ है 2500 रुपए महीना देने का, मैं तो रखना चाहता हूँ। नहीं पर अभी दीजिए, रखना चाहते हो अभी तक पहले क्लियर करो, फिर हम बात करेंगे इनसे। पहले 2015 से 2023 तक 2500 रुपए महीना क्लियर करिए, उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। मेरे पास का तो खर्चा है, मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है नौकरी लगवा के। अरे भाई ले भी जाना चाहते तो पहले पैसे जमा करो आप, जमीन बेच के ने इसकी नौकरी लगवा नौकरी। मेंटेनेंस किस केस में ऑर्डर हुआ, इसी में? इस केस में नहीं, मतलब उसकी अलग से प्रोसीडिंग्स थी अंडर सेक्शन 125, वो 125 की थी, उसमें 128 की रिकवरी के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें इनका कहना था कि मैं सिविल जेल जाने को तैयार हूँ, पैसे नहीं दूंगा। वो भी ऑब्जर्वेशन है लोअर कोर्ट का, पेज नंबर 51। उसका भी एग्जीक्यूशन हो गया, अब नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मेंटेन भी नहीं करना चाहते हैं और साथ तलाक भी नहीं देना है, बस ये केस एम्प्लॉइज साथ में रह लो, तैयार है नहीं तो पहले पहले आपका दोनों फाइट भी तो देखना पड़ेगा ना, आप इनको पैसा तो दो थोड़ा बहुत, फिर सोचेंगे रह सकती कि नहीं रह सकती। पहले आप, मैं मेरे पास पैसा भी नहीं है, पहले आप जेल जेल में तो फांसी दे दो, मेरे पास तो मैं तलाक दे नहीं सकता हूँ, मेरी बात नहीं मत भी हाँ, इसके पालन पोषण मैं जरूर कर सकता हूँ। पैसा नहीं है तो कहाँ से करोगे, अभी मेंटेनेंस देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, और पालन पोषण कैसे करोगे, क्या इनकम है आपकी? अभी आपने कहा कोई इनकम नहीं है हमारी, ना पैसा दे सकता हूँ जेल जाने को तैयार हूँ, आप मेंटेन कैसे करोगे ये बताओ, आप छोड़ना नहीं चाहते, दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। मैं हाथ से रोटी सेक सेक के खा रहा हूँ, और तो खाना ही पड़ेगा, आप क्या करोगे, भूखे तो नहीं रहोगे, कितनी जमीन है तुम्हारे पास, जमीन कितनी है? नहीं बताओगे मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे नाम से नहीं है, अगर ये पैसा ही नहीं है मेंटेन क्या करेगा इसको, मेंटेन कैसे करोगे वो भी तो देखना पड़ेगा ना, ले जाने को तैयार हो गया सिर्फ खाने के लिए, आप जेल में मांगो तो मूंग दो, फांसी दो तो फांसी दो, पर मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ श्रीमान जी यार। अरे आप इनको पालोगे कैसे, दो बच्चे हैं साथ में, उनको कैसे पालोगे ये बताओ। लगाती कि इसकी जिंदगी जाएगी मेरी जिंदगी जाएगी, इसने तो इधर कर दिया, जेल भोग का आगे पेशा करा दी, लड़ाई दंगा करो तो आप फांसी दे दो, कोर्ट से आएगी कोर्ट से आएगी।